नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। कैसे हैं आप सब? देखिए, हमारी जर्नी की कुछ मीठी कुछ बातें जो हैं मेरे मन को छू गई थी, या जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इस वीडियो को इसलिए जूम करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा बचपन होता है, वीडियोज़ है। यहाँ पर एक घर हुआ था, आजकल तो बहुत सारे घर दिख रहे हैं, वही था हमारा घर, वही हम रहते थे, वही हमारा बचपन बीता है। और देखिए, बच्चे वहाँ पहुँचने के बाद डिगलीपुर में कितनी मस्तियाँ कर रहे हैं। इन तस्वीरों से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। देखिए, मेरे बहन का बेटा है, ये मेरी कज़न बीना की बेटी है, और ये हनी है, और ये मेरी छोटी सी कज़न है। और ये तो देखिए, इन सबको हमने खाया है, और ये हम सभी कज़न्स हैं। तो कई सालों के बाद, मेरे ख्याल से लगभग 10 साल के बाद ही हम मिले थे। इस तरह से हम एक साथ सफ़र में हम जा रहे थे। तो ये मेरी कज़न, हम इनके घर पे ही, मासी के घर पे ही खाना वगैरह खाते थे। तो ये भी हमारी कज़न्स हैं सभी। ये देखिए रास्ते की कुछ तस्वीरें, और यहाँ मासी के घर पे लंच के टाइम, डिनर के वक्त, कभी हम केला पत्ती, यहाँ पर तो केला पत्ता वगैरह मिलता नहीं है, तो वहाँ पर तो दिल भर के हमने केले पत्ते पे खाने खाए और मज़े भी किए बहुत सारे। इस तरह से हमारी छुट्टियां तो समाप्त हुई, और आज मेरी बेटी आने वाली थी, इस संडे की तो वीडियो है, तो उसके इंतज़ार में हम खड़े थे, क्योंकि उसने इस बार उसने बेस्ट परफॉर्मर का प्राइज़ उसे मिली है, उसे अवार्ड भी मिला है, और गोल्ड मेडल भी उसने जीती है। तो बहुत बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए, मैं बहुत प्राउड फील कर रही थी उसके लिए। तो ये रही उसकी कुछ तस्वीरें। इन सब के बाद मेरी बेटी आखिर 1.5 साल के बाद छुट्टियों में आ ही गई, और आते ही जो मुझे केक के ऑर्डर्स थे वो उसमें लग गई, क्योंकि उसका पसंदीदा काम है ये केक डेकोरेशन। फिर उसके बाद हम दूसरे दिन मेरे कज़न से मिलने के लिए गए थे, क्योंकि उसके शादी के वक्त मेरी बेटी नहीं थी, तो वो मिलना चाहती थी। तो हम उसके घर गए, उसके सास ससुर बहुत ही अच्छे लोग हैं, तो वहाँ पर हम गए, और देखिए वहाँ पर भी हम बातचीत कर रहे हैं बड़ी मज़े से, और इसको तो देखिए। और फिर खुशी के कुछ पल मेरी बेटी के साथ। तो आप सबों